जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हम लोगों ने राइज फ्रॉम डिज़ास्टर में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मार दिया था और उसके आगे का गेम प्ले आज हम लोग फिर से शुरू करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसी जगह पे हम लोगों ने उस बड़े से मॉन्स्टर को ख़त्म किया था और देखते हैं कि ये भाई साहब कौन है और ये समझ में नहीं आ रहा कौन है। तो जल्दी से हम लोग सबसे पहले अपनी हेल्थ बढ़ाते हैं क्योंकि हमारी जो हेल्थ है वो पूरी तरीके से ज़ीरो के आसपास पहुँच गई थी, लगभग 5-7% बची थी। तो देखिए हम लोगों ने अपनी हेल्थ है वो फुल कर ली है और अब हम लोग ये देखिए कुछ हमारे अच्छा ये हमारे जो बैकबोन हैं हमारे प्लेयर के बैकबोन में कुछ चीज़ें हैं जो अटैच्ड हैं, उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। और अभी देखिए सर्च फॉर सप्लाई चेस्ट, तो हम लोगों को अभी एक सप्लाई चेस्ट को सर्च करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोगों को मार्किंग फिर से करनी पड़ेगी और उसी तरीके से हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने देखिए सारी चीज़ें क्लेम कर ली है और अब हम लोग सबसे पहले कुछ मटेरियल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए हम लोगों ने पूरा एरिया स्कैन कर लिया और ये देखिए मटेरियल्स शो हो रहा है कि कहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जल्दी से हम लोग ये थोड़ा सा जो आयरन मेटल वेस्ट है इसको हम लोग ये देखिए हम लोगों ने ले लिया है और थोड़ा सा और हम लोग इधर उधर का भी जो मेटल वेस्ट है इसके अंदर देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। ये मीडियम चेस्ट है और इसके अंदर हम लोगों को देखिए बहुत सारे अलग अलग चीज़ें मिली हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों को इस पूरे गेम में सर्वाइवल करना है, अपना पूरा एक्शन दिखाना है, म्यूटेंट्स को ख़त्म करना है और अपना पूरा पूरा मतलब जोर लगाते हुए इस गेम को ख़त्म करना है, सर्वाइवल करना है। क्योंकि अगर हम लोग ज़रा सा भी वीक पड़े तो हम लोगों को जो म्यूटेंट्स हैं वो मार देंगे और साथ ही साथ जो ये दुनिया है जो कि इतने साल आगे की इसमें दिखाई गई है तो वो पूरी तरीके से हम लोगों को ख़त्म कर देगी। तो देखिए हम लोगों को सप्लाई चेस्ट मिल चुका है और इसमें सारी चीज़ें थी जो चीज़ें थी उन लोगों ने मतलब ले ली हैं। और ये देखिए हम लोगों ने ये गियर है, कुछ पहनने वाली चीज़ें थी जो हम लोगों ने इक्विप करी है और अब हम लोगों को लीव द हार्बर। तो ऊपर वाला देखिए एक टास्क आ रहा है तो हम लोगों को ये हार्बर लीव करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोगों को इस मार्किंग पे पहुंचना पड़ेगा और देखते हैं कि इस मार्किंग पे हम लोगों को क्या मिलने वाला है। तो ये देखिए भाई साहब यहाँ पे इनका ट्यूटोरियल स्टार्ट हो गया है, माउंटेज स्टार्ट हो गया है। और ये क्या यार, ये तो हम लोगों को वहाँ पर मिली थी और हमें लगता है कि शायद ये भी म्यूटेंट बन चुकी है, ऐसा कुछ लग रहा है इसकी हरकतें देख करके। तो देखते हैं कि इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर नहीं ख़त्म किया तो अच्छा ये एक्टिंग कर रही थी भाई साहब, बच गई ना तो मार दी जाती अभी। तो ये मिशन कंप्लीट हो चुका है ये वाला और अभी हम लोग फिर से मार्किंग की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। न्यू मिशन हम लोगों को मिल चुका है। तो अभी लिखा हुआ है गो टू द ओल्ड रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, तो हम लोगों को एक पुराने रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट पर जाना पड़ेगा। और ये देखिए बीच में कितने सारे म्यूटेंट्स मिल रहे हैं तो इन म्यूटेंट्स को भी मारते हुए चलना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों को सप्लाईज़ भी मिलती रहें और पॉइंट्स भी मिलती रहें। ये देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से म्यूटेंट्स को ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। तो इनको छोड़ देते हैं और जल्दी से हम लोग, क्योंकि हम लोगों को भी बहुत लंबा सफ़र पूरा करना है, तो उसके लिए हम लोग जल्दी से यहाँ से भागेंगे और जा कर के ये वाली मार्किंग पर देखते हैं कि जाके क्या है। और ये भाई साहब ये क्या रखा हुआ है, ये सप्लाई करके कुछ आ रहा है तो देखते हैं कि इसको खोल के इसके अंदर सीक्रेट डिपॉजिटरी हो सकता है इसके अंदर कुछ हो। और हाँ इसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हम लोगों ने सारी चीज़ें पिकअप कर ली है। ये देखिए वेपन है जो हम लोगों को मिला है और उस वेपन को हम लोगों ने अपग्रेड करते हुए इक्विप कर लिया है, हम लोगों ने अपने पास रख लिया है। और तलवार जो स्वॉर्ड थी उसको हम लोगों ने हटा दिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर कितने सारे क्रिएचर्स हैं, तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे गेम का मतलब क्या है। मतलब कुछ ऐसे एलियन जैसे म्यूटेंट्स थे जो कि बाहरी दुनिया से आकर के उन्होंने अर्थ पे हमला किया था और पूरी की पूरी अर्थ पे जितने भी रहने वाले लोग थे उनको सबको ख़त्म कर दिया था। तो जो बचे हुए लोग हैं वही मतलब इन लोगों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वापस से सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये गेम है राइज फ्रॉम डिज़ास्टर। गेम को खेलने के लिए आप टैप टैप पर जा करके उसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा। बाकी हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, हम वहाँ से आपको इसको अवेलेबल करा देंगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कितने सारे बड़े बड़े ख़तरनाक वाले क्रिएचर्स हैं और इन सभी को हम लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। और ये देखिए भाई इन सब का बाप लग रहा है, भाई देखिए कितना ख़तरनाक लग रहा है, आप खुद देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा डरावना है। और अब शायद हम लोगों को इस वाले गेम में इससे ही लड़ना पड़ेगा और ये हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है। देखिए इसने हम लोगों को आते ही फेंक दिया, मतलब इतना ख़तरनाक है
और इससे हम जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इसको जल्दी ख़त्म नहीं किया तो ये हम लोगों की जो हेल्थ है वो बहुत जल्दी पूरी ख़त्म कर देगा और हम लोगों को ख़त्म करके पूरी तरीके से मार देगा। तो उसके लिए पूरी कोशिश रहेगी कि इसको हम लोग बहुत जल्द ख़त्म करें। ये देखिए इसने हमला करना शुरू कर दिया है, और ये देखिए हम लोगों को इसने, ये देखिए एक के बाद ये हम लोगों के ऊपर हमला ही करता जा रहा है और हम लोगों को उठने की बिल्कुल भी मतलब चांस नहीं दे रहा है कि हम लोग उठ के इसके ऊपर हमला कर सकें। तो इस बार हम लोग बच चुके हैं और इसके ऊपर हम लोगों ने फिर से हमला करना शुरू कर दिया है, और ये देखिए फिर से इसने हम लोगों के ऊपर हमला किया और हम लोग फिर से बच चुके हैं। मगर हाँ, ये पिछले वाले की तरह नहीं है, इसकी जो हेल्थ है वो बहुत तेज़ी से जा रही है, या हो सकता है कि जो हम लोगों का वेपन है वो हम लोगों ने अपग्रेड किया था, उसकी वजह से इसकी पावर बढ़ चुकी हो, तो उसकी वजह से ये जल्दी इसकी हेल्थ जा रही हो। तो देखिए हम लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।